इस वीडियो में हम कुव्वत शामा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुव्वत का मतलब होता है पावर या फिर ताकत, और कुव्वत शामा जब हम बोलेंगे तो जो स्मेल करने की पावर होती है यानी पावर टू स्मेल, उसको हम कुव्वत शामा बोलेंगे। इस कुव्वत का काम जो होता है वो भू का इदराक करना है, यानी इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, भू यानी स्मेल और इदराक यानी सेंसेशन, यानी इसका काम जो होगा वो सेंसेशन से रिलेटेड होगा, परसेप्शन से रिलेटेड होगा। और कौन सा परसेप्शन, स्मेल का जो परसेप्शन होता है। और ये कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है कि हवाएं मुस्तनशिक जो होती है शामिल होकर नाक में चढ़ती है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसके थ्रू हवाएं मुस्तनशिक यानी वो हवा जो हम सांस लेते हैं उसके उसमें शामिल होकर जो है नाक में ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई रूम है उसमें बिल्कुल कोने में भी जाकर अगर आप सेंट का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो सेंट डिफ्यूज़ हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है, और डिफ्यूज़ करके कहाँ हो जाता है, ये इट डिफ्यूज़ इनटू द एयर, और डिफ्यूज़ करके पूरे रूम में फैल जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हवाएं मुस्तनशिक होती है यानी वो हवा जो हम इनहेल कर रहे हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें जो है बू से रिलेटेड यानी स्मेल की जो चीज़ होगी यानी उसमें शामिल होकर यानी स्मेल के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे सांस में शामिल हो जाएंगे, और जब हम सांस लेंगे तो वो हमारे नाक के अंदर चले जाएंगे। अब इससे रिलेटेड हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, अनफ होगा, जिसको हम नोज़ कहते हैं यानी नाक जो होती है। तो कुव्वत शामा का आला यानी ऑर्गन अनफ है। नाक को दो अफ़ाल के लिए बनाया गया है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, अफ़ाल का मतलब क्या होता है, फंक्शन, तो नोज़ के जो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन तो हम जानते हैं स्मेल से रिलेटेड है, दूसरा फंक्शन देखते हैं एक सूंघने के लिए, यानी एक वो फंक्शन जो स्मेल से रिलेटेड है, और दूसरी आवाज़ को साफ़ करने के लिए। तो नोज़ का एक और काम जो होगा यानी नोज़ से रिलेटेड एक और फंक्शन होगा वो क्या होगा, इट मॉडिफाई एंड एम्पलीफाई स्पीच, जो भी हम बोलते हैं जो हमारी स्पीच होती है उसको मॉडिफाई एंड एम्पलीफाई करने का इसका काम होता है। इसी वजह से जब हम देखते हैं कि हमें कोई नज़ला जुकाम बुखार वगैरह अगर हुआ रहता है यानी ऐसी डिजीज़ जिसमें नाक वगैरह हमारी अफेक्टेड होती है, तो उस केस में जो हमारी आवाज़ है वो भी चेंज हो जाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट चीज़ तजवीफुल अनफ, यानी तजवीफ का मतलब होता है कैविटी, और अनफ जो है हमने देख लिया नाक को कहते हैं, यानी इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं इट कैन बी कॉल्ड एज नेज़ल कैविटी, यानी वो कैविटी जो नोज़ से रिलेटेड है, इसी वजह से हम इसे नेज़ल कैविटी कह रहे हैं। ये एक दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में तकसीम होती है, दीवार यानी वॉल, एक वॉल के थ्रू दो हिस्सों में यानी टू पार्ट्स में तकसीम हो जाएगी, मीन्स डिवाइड हो जाएगी। तो ये डिवाइड होने वाली है टू पार्ट्स में, जिसका निचला हिस्सा गुजरूफी यानी कार्टिलेजिनस होता है, गुजरूफ का मतलब होता है कार्टिलेज, तो कार्टिलेजिनस होगा, और जो बलाई हिस्सा होगा यानी जो अपर पार्ट होगा वो अजमी होगा यानी बोनी होगा, जो अजमे कासिमुल अंत से बनता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेप्टम की बात करी जा रही है, तो ये बात हम पहले से जानते हैं, हमने पहले की बुक्स में पढ़ रखा है कि जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है, यानी मीडियली प्लेस्ड होता है, बीच में होगा, और ये क्या करने वाला है, इट इज़ अगर इसके मतलब देखें कि कैसा होता है, कैसे बना होता है, तो इट इज़ ओसियो कार्टिलेजिनस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि बोन प्लस कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज से ये बना होता है, और इसके रिलेटेड हम देखेंगे कि जो नेज़ल कैविटी हमारी होती है उसको क्या करने वाला है, ये दो हाफ में यानी दो पार्ट्स में बांट देगा, राइट और लेफ्ट में बांट देने वाला है यानी डिवाइड करने वाला है। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि एक दीवार होगी जो दो हिस्सों में तकसीम यानी डिवाइड कर देगी, और निचला हिस्सा गुजरूफी और दूसरा हिस्सा जो है बोनी होने वाला है। तो यानी नेज़ल सेप्टम की बात करें, क्योंकि नेज़ल सेप्टम भी मीडियन होता है और साथ में बोन एंड कार्टिलेज से बनता है। नाक के दोनों ज़ाहिरी सुराख जिनको हम मिनखरेन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिनखरेन बोलते हैं, यहाँ पर खे का नुक्ता नहीं आ रहा है तो इसको मिनखरेन बोलते हैं, यानी ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नॉस्ट्रिल्स यानी नतने की, ये नॉस्ट्रिल्स की बात कर रहे हैं। तो नाक के दोनों ज़ाहिरी सुराख जो होते हैं यानी जो होल्स होते हैं उनको मिनखरेन कहते हैं यानी नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नाक का जो गार होगा, गार का मतलब होता है केव, यानी नाक में यहाँ पर जो होलो पोर्शन बनने वाला है, या ऐसा कह सकते हैं जो कैविटी बनने वाली है, बनाने में जो हड्डियाँ शामिल होती हैं यानी जो बोन्स इसमें जो इसके जो इसको बनाने में आएंगी स्ट्रक्चरल पार्ट में होंगी, बहुत नाजुक अजमी तबकात पर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें बहुत से मनाफिज यानी होल्स होते हैं, खलाई यानी स्पेसेस पाई जाती हैं, जिनको अबू सहल मसीह ने सकूबे स्फंजिया और मनाफिज, तो सकूब और मनाफिज इन दोनों के मीनिंग जो है होल्स के मीनिंग में लगभग आते हैं कहा है, और ये अजमे मिसफात में पाए जाते हैं यानी इथमॉइड बोन, अजमे मिसफात यानी इथमॉइड बोन में पाए जाते हैं। तो ये जो पार्ट अभी हमने देखा कि किस तरीके से यानी इस स्ट्रक्चर की बात करें कि जो इनका स्ट्रक्चर होगा, जो बोन होगा वो किस तरीके का होगा, वो ऐसा होगा जिसमें
खलाई स्पेसेस होंगी, मनाफिज यानी होल्स होंगे। तो मेनली ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं क्रीबरी फॉर्म प्लेट की, क्रीबरी फॉर्म प्लेट। अगर मॉडर्न से रिलेट करें तो ये क्रीबरी फॉर्म प्लेट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इट इज़ द टॉप पार्ट ऑफ द इथमॉइड बोन। तो ये टॉप पार्ट होता है किस चीज़ का पार्ट होता है, इथमॉइड बोन का। तो जो हमारा इथमॉइड बोन है उसका ये टॉप पार्ट होता है। और इसकी ख़ास बात क्या होती है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो इट हैज़ न्यूमरस टाइनी होल्स, तो इनमें बहुत सारे होल्स होते हैं। और ये होल्स का फ़ायदा क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ऑल्फैक्ट्री नर्व्स होती हैं यानी वो नर्व्स जो रिलेटेड होंगी हमारे स्मेल के सेंसेशन से, तो वो नर्व्स जो हैं इनके थ्रू पास करती हैं। तो अगर यहाँ पे टाइनी होल्स हैं तो इनके थ्रू क्या करेंगी, नर्व्स जो हैं पास करने वाली हैं। अब यही क्रीबरी फॉर्म प्लेट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और एक बार और देखेंगे, लेकिन अभी इतना करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी मेरे लिए क्रीबरी फॉर्म प्लेट की बात कर रहे हैं और कुछ इस तरीके की बात करें कि इनमें मनाफिज और खलाएँ होंगी। अब रुतुबतें मुखाती की बात कर रहे हैं, तो इन सब खलाओं में एक झिल्ली स्तर करती है, यानी यहाँ पर झिल्ली मेम्ब्रेन या फिर ऐसा कर लीजिए एक लेयर होती है स्तर करती है, जो बलगमी रुतुबत से तर रहा करती है। तो इसमें क्या होगा, रुतुबत होगी जो बलगमी होगी यानी म्यूकस लाइक होगी। तो जो नज़ला की सूरत में यही रुतुबत बढ़ जाती है, अगर नज़ला होता है तो ये रुतुबत बढ़ जाएगी और नथनों की राह बाहर खारिज होती है। नज़ला की सूरत में ये क्या होगा, ये म्यूकस हमारे नाक से जो है बाहर आएगा। इस झिल्ली का ताल्लुक जो है वो कैसे होता है, मुँह से होता है, ज़ुबान से होता है, हलक यानी फेरिंग्स कह सकते हैं हम इसे, फेरिंग्स कस्बतुर रिया यानी ट्रेकिया से रिलेटेड होता है, और मरी यानी इसोफेगस की गिशाए मुखाती, जी गिशाए मुखाती, गिशा का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन यानी हम इसको कहेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को साहिब कामिल ने लिबासुल अनफ कहा है। तो अनफ मतलब जो हमारा नाक है और उसका लिबास यानी जैसे क्लोथ, लिबास मतलब क्लोथ होता है, तो लिबासुल अनफ कहा है। ये बिल्कुल इस तरीके से है क्योंकि अगर किसी चीज़ की लेयर होती है तो उस लेयर, तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक लेयर टाइप की होगी और जो इस पर क्या होगी, म्यूकस की तरह लगी हुई होगी, जिससे क्या होगा यहाँ पर, इसी वजह से हमेशा ये क्या होगी, रुतुबत से तर रहेगी। तो यहाँ पर ये तर रहने की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई लेयर है और जिस पर हमेशा म्यूकस जो सिक्रेट होता रहेगा, तो वो लेयर कैसी होने वाली है, वो लेयर वेट होने वाली है, तो उसी की बात करें। लेकिन अगर इस केस में जैसे कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज़ कंडीशन जैसे नज़ला, तो इस केस में यही रुतुबत जो होगी जो नॉर्मल थी वो बढ़ जाएगी और ये नथनों की राह से क्या होगी, खारिज होने वाली है। असब शामा, तो जो असब होता है वो नर्व को कहते हैं और शामा इज़ रिलेटेड टू नोज़, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑल्फैक्ट्री नर्व कहेंगे, यानी वो नर्व जो रिलेटेड होगी हमारे स्मेल से। नाक की छत अजमे मिसफात के तबकाए गरबालिया से बनती है, तो तबकाए गरबालिया वही है जिसको हम क्रीबरी फॉर्म प्लेट बोल रहे थे, जिसमें छलनी के मानिंद जो है यानी छलनी यानी सीफ की तरह, जो छलनी होती है जिसका यूज़ करते हैं, सीप की तरह बारीक बारीक छेद होते हैं। इसकी बालाई सतह पर आसाबे शामा के फैले हुए होते हैं जिनको बसलाए शामा कहते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं ऑल्फैक्ट्री बल्ब। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑल्फैक्ट्री बल्ब कहते हैं। क़याम पज़ीर होते हैं जिनकी निचली सतह से बारीक बारीक आसाबी रेशे निकलते हैं, यानी नर्व के जो रेशे होंगे वो निकलेंगे। तबकाए गरबालिया के सुराखों से निकलकर तजवीफुल अनफ जो है यानी जो कैविटी होगी उसके गिशाए मुखाती के बाला हिस्सों में फैलते हैं, तो ये जाकर आगे क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो बिल्कुल ये वही बात है जो हमने ऊपर देखी थी, जो हमने देखा था कि जो क्रीबरी फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्रीबरी फॉर्म प्लेट जो होगा वो इथमॉइड बोन का टॉप पार्ट होगा और इसमें बहुत सारे होल्स होंगे, और ये होल्स क्या करेंगे, दी विल अनेबल द ऑल्फैक्ट्री नर्व टू पास थ्रू। तो ऑल्फैक्ट्री नर्व को यहाँ से ये पास होने देंगे, जस्ट यहाँ पर जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तबकाए गरबालिया के सुराखों से निकलकर, तो सुराखों से निकलकर तजवीफुल अनफ के गिशाए मुखाती यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके बाला हिस्सों में फैल जाते हैं, जिनकी वजह से ये हिस्सा जर्द नज़र आता है। और साहिब कामिल ने आसाब शामा, तो आसाब यानी नर्व्स होते हैं, शामा यानी जो ऑल्फैक्ट्री नर्व को इदराक शम का आला बताया है। आला उला इतना मतलब, आला का मतलब ऑर्गन, उरा का मतलब प्राइमरी यानी प्राइमरी ऑर्गन बताया है। बूदार ज़र्रात की तबखीर, तब आगे हम देखते हैं कि जो बूदार ज़र्रात, ज़र्रात का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, और तबखीर वैसे वेपराइजेशन होता है, अगर तबखीर का अगर आप मीनिंग देखें तो वेपराइजेशन होता है, यानी कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो हमारे स्मेल से रिलेटेड पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं या ऊपर जाते हैं।
यानी हमारे नाक तक किस तरीके से पहुंचेंगे, मेनली ये कहना चाह रहे हैं। तो साहिब कामिल ने लिखा है कि बूदार असाम जो होते हैं यानी जो पार्टिकल्स होंगे जो स्मेल से रिलेटेड होंगे, बूदार जरात उड़ा करते हैं, ख्वाह इतनी मिकदार में उड़े कि वो नजर ना आए, भले ही कितनी भी कम मिकदार हो, जैसे काफूर हो गया, सद पुदीना, मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान। तो मेनली ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अरोमा होता है, जिनमें मतलब स्मेल करने ऐसी चीज़ होती है जो स्मेल करती हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात करें, जैसे मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान वगैरह होता है। मुख्तलिफ किस्म की बुओं का एहसास आसाबे शामा को होता है, फिर ये एहसास बसलाए शामा यानी ऑल्फैक्ट्री बल्ब में पहुँचता है, और फिर तराइक शामा में पहुँचता है, और फिर हसास अखीर तक जाता है। तो मेनली यहाँ पर ये प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरीके से होगा। तो जो पार्टिकल्स होंगे जो स्मेल से रिलेटेड होंगे हमारे सांस के थ्रू ये अंदर जाने वाले हैं, यानी जो हमारा नोज़ होगा उसके अंदर जाएंगे, फिर आगे हम देखेंगे कि ये ऑल्फैक्ट्री नर्व से रिलेटेड है, ऑल्फैक्ट्री नर्व, और ऑल्फैक्ट्री बल्ब की भी यहाँ पर बात आएगी, और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जाने वाला है, और अंदर जाकर इस चीज़ की प्रोसेसिंग होने वाली है, इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हो जाता है जिसके थ्रू हमें स्मेल, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं चीज़ों को।